क्लास एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A। एक्सरसाइज 9A बेटा हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग अ रूलर दैट इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट मींस यहां पे हमें मैचिंग करना है, मेजर फॉलोइंग करना है। इसमें हमें मेजरमेंट्स दिया गया है, नाप यूजिंग अ रूलर। रूलर मींस स्केल, आपको पास स्केल होती है तो हमें रूलर मींस स्केल होती है। तो उस स्केल का मेजरमेंट हमें कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास जो एक स्केल होती है तो छोटी स्केल जो होती है बेटा वो मिनिमम 15 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हमें यहाँ सपोज क्या करना है कि आपका जो स्केल दी गई है वो कितनी लंबी है, 60 सेंटीमीटर। तो हमें इस 60 सेंटीमीटर स्केल को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यूज द रूलर ट्वाइस। अब आपके पास एक स्केल दी गई है 60 सेंटीमीटर की, अब हमें इस स्केल का यूज करना है कितना, ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स टू टाइम, ट्वाइस मीन्स टू टाइम। अगर हमारे पास स्केल 60 सेंटीमीटर है और अगर हमें इसका ट्वाइस करना है, हमने इसको डबल किया, इस टू से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टू सा 12, तो कितना हो गया वो 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 120 करना है, तो ये हमें इसे मैच कर दिया 120 सेंटीमीटर। ना बी यूज द रूलर 15 टाइम। हमें अब रूलर स्केल से कितने टाइम यूज करना है, 15 टाइम। मीन्स 60 को हमें कितनी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 15 से। अब हमें यहाँ टाइम्स का आ गया, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो 15 टाइम हमें करना है तो 56 कितना होता है, 90। 56 90 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 56 90 और यहाँ पे 10 और कर दिया, ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। 60 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 900 सेंटीमीटर आया है। लेकिन यहाँ हमने देखिए आंसर में 900 नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर है। लेकिन अभी हम हमें क्या कहा गया है, ये मीटर में, मीटर में कहा गया है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को करने के क्या करेंगे, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। जिसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 900 को हमने 100 से डिवाइड किया तो 100 109 था। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, कितना आंसर आ रहा है, 9। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 9 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर, ये 4 का। क्लियर। नाउ सी यूज द रूलर 4 टाइम्स। अब हमें अपनी स्केल को कितनी टाइम यूज करना है, 4 टाइम। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 होता है। 6 4 24 24 देखिए यहाँ दिया है 24 मिलीमीटर। अब आप कहेंगे यहाँ देखिए बेटा, हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 240 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है मिलीमीटर, तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। रूल्स में आप लोगों को बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400 मिलीमीटर। क्लियर बेटा, तो हमने इसको मैच कर दिया। नाउ लास्ट वन इज यूज द रूलर वंस। अगर हमने स्केल को 1 टाइम यूज किया तो 1 टाइम हमें क्या कहा गया है कि स्केल की लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 1 टाइम यूज करेंगे तो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। मोनिका इज टॉल, मोनिका लंबी है एंड ईच स्टेप शी टेक्स इज अबाउट 75 सेंटीमीटर। वो लंबी है इस वजह से वो अपनी एक स्टेप मतलब एक कदम जो रखती है कितना होता है, उसके एक कदम के बीच जो
ऑफ द कॉरिडोर, और अगर उसके कॉरिडोर आउटसाइड हर क्लासरूम, उसके क्लासरूम के बाहर एक कॉरिडोर है, तो वो अपने उस कॉरिडोर को मेजर करने के लिए जो स्टेप लेती है 2.5 लेती है। 2.5 स्टेप्स में वो अपने कॉरिडोर को कवर करती है। तो बताए पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ द कॉरिडोर, तो उस कॉरिडोर की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अगर उसका एक कदम 75 सेंटीमीटर का है और इस तरह से उसमें टोटल कितने स्टेप्स लिए हैं, 2.5 स्टेप्स लिए हैं, तो कॉरिडोर की चौड़ाई कितनी होगी। तो 75 को हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा आपको खुद से करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा जो आंसर आएगा आपको उसमें टिक करना है। आपका देखिए ए वाला अगर आंसर आता है तो ए को टिक करिए, बी वाला आता है तो बी को, सी डी जो भी आंसर आता है ये आपको मेरे होमवर्क है। 75 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोग टिक करें। आपको सिर्फ आंसर उसमें टिक करना है, ऑप्शन दिए है सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद टिक करना है। क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड ये आज हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू।